नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री सिखों कमा योजना के अंतर्गत जो अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है, अनुबंध का ऑप्शन दिया गया है, किस प्रकार से अप्लाई करना है आज आपको लाइव अप्लाई करके बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले आपको अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा, ठीक है। और जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर हमने 6 कोर्स में अप्लाई किया था जिसमें से हमारा 1 कोर्स में ही नाम आया है। तो आप भी देख लीजिए, अगर आपके में लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है, तो कुछ देर बाद ट्राई कीजिए, आपको लॉगिन हो जाएगा 1-2 घंटे बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रिक्तियां खोजे वाले ऑप्शन पर चले जाना है। रिक्तियां खोजे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। कुछ देर लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होना देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीटीवी इंस्टॉलमेंट टेक्नीशियन का हमारे पास आ चुका है। तो हम इस पर जैसे व्यू ऑल का ऑप्शन करेंगे तो व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर अभी 0 कैंडिडेट ने अप्लाई किया हो, टोटल कर्मचारी की संख्या 18 होने वाली। तो यहाँ पर अप्लाई वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो कुछ नोटिस देखने को मिल रहा होगा, प्रिय अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के बाद आप अपनी पहले से अंकित की गई योग्यता को परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि आप आवेदन करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्वतः ही लॉक हो जाएगी, हालांकि अतिरिक्त योग्यता बाद में जोड़ी जा सकती है। कृपया आवेदन जारी रखने के लिए यस पर क्लिक करें जिसमें आपकी प्रोफाइल को लॉक कर दिया जाएगा, या अपनी पहले से अंकित योग्यता को अपडेट करने के लिए नो पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने फॉर्म में कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, और जब तक आप अप्लाई नहीं करते जब तक आप कोई भी कोर्स ऐड कर सकते हैं, जिला ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। पहले इसे पढ़ लीजिए उसके बाद यस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिय अभ्यर्थी आप इस कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास चयनित रिक्तियां के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है ना। तो यहाँ पर उसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पर दूसरा करके देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इंदौर जिले में की थी तो लगभग हमारे पास इतनी सारी रिक्तियां, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जैसे अप्लाई करेंगे यस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी के लिए कोर्स के आवेदन नहीं कर पाएंगे, आपके पास चयनित रिक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है। तो हमने 2 से 3 कोर्स में अप्लाई करके देखा तो ये कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। चलिए एक और कोर्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिय अभ्यर्थी आप इस कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास चयनित रिक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं। ये इसलिए बोल रहा है दोस्तों क्योंकि हमने जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉकमेंट डेयरी, तो इसका भी सभी के अलग अलग कोर्स रहते हैं, तो इसलिए या तो फिर सर्वर प्रॉब्लम है क्योंकि आज ही इसमें अनुबंध का ऑप्शन स्टार्ट किया और शैक्षणिक योग्यता 12वीं बता रहा है और हमने इसमें योग्यता में 12वीं भी डाला है, फिर भी ये नहीं हो रहा है। लगता है कि इसमें सर्वर प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद ट्राई कीजिएगा या फिर इसमें क्वालिफिकेशन ही 2-3 और ऑप्शन। यदि इसमें कोई अपडेट आता है तो हम आपको लाइव बताएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।